एज इम्प्लाइड बाई द वेरिएबल फंक्शन ऑफ टी, यानी कि ये जो वेरिएबल है हमारे पास एस आई और आर, जब हम इनको वेरिएबल को फंक्शन ऑफ टी लेते हैं, यानी एस एज अ फंक्शन ऑफ टी, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी, द मॉडल इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि ये मूवमेंट, डायनामिक मूविंग से निकला है मूवमेंट, यानी ये जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये मूव फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दैट द नंबर्स इन ईच कंपार्टमेंट में फ्लक्चुएट ओवर टाइम, यानी नंबर्स हर कंपार्टमेंट में, नंबर्स का मतलब है इंडिविजुअल्स, यानी एस में इंडिविजुअल जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, कभी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे टाइम के साथ साथ। इसी तरह आई में जो हमारे पास इंडिविजुअल हैं वो भी इसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, और इसी तरह आर में भी इसे फ्लक्चुएट करेंगे टाइम के साथ साथ, वो चेंज होंगे, तो इस तरह चेंज हो सकते हैं जी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डायनामिक्स इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डायनामिक एस्पेक्ट इज़ मोस्ट ऑबियस इन एन एंडेमिक डिजीज़। जो एंडेमिक डिजीज़ होती है उसमें ये जो हमारे पास ये एस्पेक्ट है, यानी मूवमेंट का जो एस्पेक्ट है, ये ज़्यादा ऑबियस होता है विद अ शार्ट इन्फेक्शियस पीरियड, यानी जिसका बहुत कम शार्ट इन्फेक्शियस पीरियड हो, कि बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हों जो हमारे पास इंडिविजुअल हैं, तो उसमें फिर ये इम्पॉर्टेंस इसकी ये ज़्यादा वाज़े नज़र आ जाता है कि एक बंदा बीमार हुआ, जल्दी बीमार हुआ, जब वो बीमार हुआ तो एस से मूव करके आई में चला गया, और फिर थोड़ी देर के बाद ही या बहुत कम टाइम में वो रिकवर हो गया, तो फिर आई से मूव करके वो रिकवरी क्लास में चला गया। सच एज मीजल्स इन द यूके प्रियर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन 1968, यानी 1968 से पहले जब वैक्सीन नहीं बनी थी यूके में, तो मीजल जिस तरह यूके में देख लें, तो यानी कि एक बंदा बीमार हुआ फिर रिकवर हो गया, या उसके साथ जब बीमार बंदे के साथ दूसरा मिला तो बस उसको भी मीजल्स हो गया। सच डिजीज टेंड टू अकर्स इन साइकिल्स ऑफ आउट ब्रेक्स, यानी ऐसी जो डिजीज़ होती हैं, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये आउट ब्रेक अकर साइकिल्स ऑफ आउट ब्रेक्स में अकर करती हैं। साइकिल ऑफ आउट ब्रेक का मतलब क्या है, जिस तरह आप देखें साइकिल्स के को, यानी एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बीमारी शुरू हुई, पहले पीक पे पहुंच गई, फिर ख़त्म हो गई, फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा शुरू हो गई, फिर पीक पे पहुंच गई, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई। ये ड्यू टू वेरिएशन इन द नंबर ऑफ ससेप्टेबल्स ओवर टाइम, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ जब नंबर ऑफ ससेप्टेबल्स वेरी कर रहे होते हैं, तो जब वेरी कर रहे होते हैं तो फिर उसके साथ साथ बीमारी भी, ज़ाहरी बात है जब ससेप्टेबल बहुत ज़्यादा होंगे, फिर उन वो बीमारी लग रही है, फिर वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है बीमारी, फिर जब बीमार बंदे ही हमारे पास ऐसे बंदे ही अवेलेबल कम हैं जिनको बीमारी लग सकती है, तो वो बीमारी फिर वो आगे इन्फेक्ट कम होंगे। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक द नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल फॉल्स रैपिडली एज मोर ऑफ देम आर इन्फेक्टेड एट द सेंटर द इन्फेक्शन एंड रिमूव्ड कंपार्टमेंट। जो एपिडेमिक होती है उसमें ससेप्टेबल इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी जल्दी डिक्रीज होते हैं, क्योंकि एपिडेमिक में बड़ी जल्दी बीमारी जो है वो एपिडेमिक का मतलब ही क्या होता है कि बीमारी जो है एक थोड़े से अरसे में एक ख़ास रीजन में बड़ी जल्दी जो है वो पीक पॉइंट पे चली जाती है, और फिर थोड़े ही अरसे में वो ख़त्म हो जाती है। तो एपिडेमिक के दौरान जिस तरह आप डेंगी आप देख लें, तो डेंगी आप देखें कि किसी सिटी में, किसी ख़ास सिटी में, जैसे लाहौर में, पाकिस्तान में देखें, तो डेंगी आता है और बहुत ज़्यादा बंदे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद, चंद माह के बाद ही, महीने डेढ़ महीने के बाद फिर वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाते हैं, चंद एक केसेस रह जाते हैं। तो इस तरह एपिडेमिक अगर हो तो ससेप्टेबल जो है वो बड़ी तेज़ी से इन्फेक्शस कंपार्टमेंट जाते हैं, और इन्फेक्शस से फिर आगे रिकवर में जाते हैं। लेकिन एंडेमिक डिजीज़ जो है वो वो साल आ साल रहती है, यानी थ्रू आउट द ईयर रहती है, लेकिन वो उस तरह की पीक पे नहीं पहुंचती, वो अपना बेस लाइन लेवल पे वो रहती है। जिस तरह अब अगर आप देखें कि जिस तरह मलेरिया पूरा साल ही चलता रहता है, लेकिन उस तरह कभी नहीं हुआ कि हर दूसरा तीसरा बंदा मलेरिया का शिकार हो जाए जी।
कुछ कुछ ना कुछ बीमार होते रहते हैं, फिर रिकवर होते रहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में डेंगी, या डेंगी से आप देखें किसी खास रीजन में अचानक में फैलना शुरू हो जाता है और पीक पे चला जाता है डेंगी। द डिजीज द डिजीज कैन नॉट ब्रेक आउट अगेन अनटिल द नंबर ऑफ ससेप्टेबल हैज़ बिल्ट बैक अप। यानी जो एक जो बीमारी है वो दोबारा कभी भी पीक पे नहीं पहुंचती जब तक कि जो ससेप्टेबल हैं वो दोबारा, यानी जो रिकवर हो चुके हैं वो दोबारा उस कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएं जिनमें बीमारी लग सकती है। कि यानी ऐसी बीमारियां आप देखें ना, जिस तरह आप इसी तरह डेंगी की एग्जांपल ले लें, तो ये तो नहीं हो सकता कि डेंगी, एक बंदा डेंगी से रिकवर हो गया दोबारा उसको डेंगी नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक दफ़ा रिकवर हो जाए तो दोबारा फिर जो है ना वो डेंगी का मच्छर उसको काट ले, दोबारा फिर डेंगी हो जाए। तो यानी कि जब तक ये जो है वो बीमारी दोबारा पीक पे नहीं पहुंचेगी, उस वक्त तक नहीं पहुंचेगी जब तक जो रिकवर इंडिविजुअल है वो दोबारा ससेप्टेबल क्लास में एंटर नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ आफ स्प्रिंग बींग बॉर्न इन टू द ससेप्टेबल कंपार्टमेंट, यानी कि या दूसरी सूरत ये है कि जो नए हमारे पास जो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे, या वो ससेप्टेबल में जो अगर पैदाइशी वो ससेप्टेबल हैं यानी उनको बीमारी लग सकती है, तो फिर वो भी अगर उसमें एंटर हो रहे हैं ससेप्टेबल क्लास में, तो फिर भी बीमारी के पीक पे जाने के दोबारा चांसेस हो सकते हैं।